हमारा लेक्चर नंबर 31। अच्छा, कल मैंने जो है वो बाइंडिंग एनर्जी से शुरू कर दी थी, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी की शायद डेफिनेशन भी उन्होंने लिख ली थी, ठीक है जी। तो अब इसका ग्राफ हमने प्लॉट करना है और साथ इसका जो फार्मूला है, ठीक है, वो हमने राइट डाउन करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है बेसिकली दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। मैंने आपको कल ये बताया था कि जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस जो एनर्जी उस न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज होती है, ठीक है, वो एनर्जी जो है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो मास डिफेक्ट भी क्या है एक्चुअली, जो मास के अंदर डिफेक्ट होता है वो क्या है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए न्यूक्लियस का मास जो होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास से कम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला, इसमें अब डेल्टा एम क्या, ये मास डिफेक्ट है, ठीक है। तो मास डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एम जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स पार्टिकल्स मीन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं, यानी कि आप इसको, इसकी दो तरह से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि एक तो डेफिनेशन ये होगी कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस जो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में और वो एनर्जी न्यूक्लियस में से रिलीज हो जाती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या वो, यानी कि अगर आप एक न्यूक्लियस है आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं, देखिए हर जगह पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो जितनी एनर्जी उसको बनाने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी उसको ब्रेक करने के लिए चाहिए। तो फिर जितनी बनाने के लिए चाहिए वो भी बाइंडिंग एनर्जी है और जितनी ब्रेक करने के लिए चाहिए वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो ये दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो सी का फैक्टर आ रहा है ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर क्यों आ रही है, जो ये इक्वेशन थी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब इसमें सी, वैसे तो बेसिकली ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो सी का स्क्वेयर आ जाता है। आपको पता है कि ये सी का स्क्वेयर यहाँ पर क्यों आता है, व्हाट डज इट मीन फिजिकली, इसका फिजिकली क्या मतलब है इसका। हाँ ठीक है, यस। और ये एक बात है, अगर आप इसको ज़रा ज़्यादा कर दें, बात बिल्कुल ठीक है 100% ठीक है, लेकिन इसको अगर ज़रा मज़ीद और प्रसाइज कर दिया जाए इसको, तो
और कैसे आप कह सकते हैं, कोई और किसी के जेहन में आ रहा कोई और लफ्ज, वो आंसर ठीक है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन के जवाब ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ नाम लिया है कि वो चीज़ें जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही, तो जो रिलेटिविटी होती है वो उन चीज़ों पे अप्लाई होती है जो स्पीड ऑफ लाइट और 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही होती है। समझ आ रही है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जहाँ पर आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का मतलब होता है कि वो पार्टिकल्स जो स्पीड अब स्पीड ऑफ लाइट के साथ कौन से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, फोटॉन्स, ठीक है। ये जो आंसर दिया है इन्होंने कि ठीक है उसको आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 1/10 के साथ कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये इक्वेशन अप्लाई होती है। ये सिर्फ फोटॉन्स के ऊपर नहीं होती, जो 1/10, क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, रिलेटिविस्टिक में, यानी कि जहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है वहां पर, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप कहां पर अप्लाई करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ाई करते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, स्मॉल, छोटे, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसलिए यहां पर स्पीड ऑफ लाइट आ रही कि आप इनको उधर ही अप्लाई कर सकते हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर जो स्पीड ऑफ लाइट या लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, यानी कि वहां पर ये इफेक्ट आपको नजर आएगा कि इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, ठीक होगी ये बात। अच्छा, अब ये दो तरह से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब है कि उसका मास नंबर जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ये पर न्यूक्लियॉन उसका मास नंबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर ओवर ए। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के दरमियान में ग्राफ बनाएं, कल आपने एक ग्राफ जो है वो बनाया था इसके दरमियान में, मास डिफेक्ट के लिए बनाया था, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए ग्राफ। अब ये जो ग्राफ मैं बनाने लगा हूँ ये क्या है कि ये इसी का उलट, ठीक है, उसका रिवर्स ग्राफ होगा, ये उसी ग्राफ का, ठीक है, हम इसको कंपेयर भी करके देख लेंगे। तो आप देखें कि यहां पर इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है और इस तरफ मास नंबर है, और ये ग्राफ हमारे पास कुछ यूं करके इस तरह आता है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन, ठीक है, इधर हीलियम, यहाँ पर आयरन, और इससे आगे जाते जाएंगे तो फिर यूरेनियम, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा हमारा, अब वो ग्राफ अगर आप उसको रिमाइंड करें तो वो यूं था, ऐसे आ रहा था ना, ये देखो, वो यूं आ रहा था ग्राफ, ठीक है, ये आ रहा है पहले बड़ा, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो गया। तो ये फिगर जो है इसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है उसको प्लॉट किया है वर्सेस मास नंबर ए, तो कर्व जो है पहले शुरू में तो राइज करता है शार्पली,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो एकदम राइज आया उसके अंदर, यानी कि जो मास नंबर बढ़ा उसी के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी इंक्रीज जो है वो हुई है, ठीक है। उसके बाद 50 तक जहाँ तक आयरन है, यहाँ तक ये मैक्सिमम तक जाता है, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है आयरन तक, और फिर आयरन तक पहुंचने के बाद ये वहां से डिक्रीज होना शुरू होता है, यानी कि आयरन तक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर वो मैक्सिमम है, और फिर उससे आगे जाके वो डिक्रीज होना शुरू जो है वो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो स्मॉलर है किन के लिए, लाइटर न्यूक्लियाई इसके लिए, ठीक है। तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, और हैवियर न्यूक्लियाई के लिए भी काम है, एंड ऑल्सो फॉर हैवी न्यूक्लियाई लाइक जैसे उसके अंदर यूरेनियम, रेडियम, थोरियम और यूरेनियम एक्सेट्रा ये आते हैं इसके अंदर, यानी कि जिनके मास नंबर कम है और जिनके मास नंबर ज्यादा हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम है। लेकिन जो मिडिल के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये आयरन है, ये वाले मास नंबर जो है ये कहां पर आ रहे हैं, ये मिडिल के ऊपर आ रहे हैं। तो जो मिडिल के ऊपर मास नंबर्स हैं द न्यूक्लियाई विद इंटरमीडिएट मास नंबर्स, लेकिन जो न्यूक्लियाई है हमारे पास इंटरमीडिएट मास नंबर्स के साथ हैव द ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ग्रेटेस्ट है, ज्यादा है। ये ग्राफ से आप ऊपर से तो यही पता लग रहा है ना, हमें नजर आ रहा है, आप ग्राफ को देखें तो यही बात जो है वो हमें नजर आ रही है। ठीक है कि शुरू में मास नंबर बढ़ना शुरू हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी काम है, फिर बढ़ती गई आयरन तक आई, यहाँ जो मिडल के ऊपर एलिमेंट्स हैं, इन मिडल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटेस्ट है, और फिर उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ हैवियर के लिए। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर भी इन न्यूक्लियंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से स्टेबल हैं
और कौन से अनस्टेबल है, समझ आ रही है बात, कौन से स्टेबल है और कौन से अनस्टेबल है। तो जो इस ग्राफ के मिड पे आ रहे हैं, इंटरमीडिएट के अंदर आ रहे हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटेस्ट है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब है कि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो जिस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, वो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में इस जगह पर था मास डिफेक्ट, उसका अपोजिट है मास डिफेक्ट, ठीक है। यहां पर आयरन आता है ना मास डिफेक्ट के अंदर, वो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। तो यानी कि जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटेस्ट होगी, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस के जिसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, वो स्टेबल होगा। लेकिन वो न्यूक्लियाई कि जिनको ब्रेक करने के लिए कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए, वो अनस्टेबल होंगे। जैसे यूरेनियम है, या शुरू के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रिलियम है, जैसे ये हमने रेडियम, थोरियम और यूरेनियम इसका जिक्र किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है, जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है, दैट डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटेस्ट है, तो न्यूक्लियस स्टेबल है, क्योंकि हमें अच्छा, अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग होता है, देखिए जहां पर इंटरमीडिएट मास नंबर आ रहे हैं ना, वहां पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तकरीबन बराबर होते हैं एक दूसरे के, लेकिन जहां पर मास नंबर बढ़ जाता है, वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका डिफरेंस बढ़ जाता है, जिस वजह से उनके अंदर, चूंकि न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, इस वजह से वो अनस्टेबल। सही पता है कि जिस चीज के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे, जब वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो ये कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस को फाड़ के उसमें से बाहर निकल जाए, ठीक है। क्या कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस को फाड़ के उसमें से बाहर निकल जाए, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि न्यूक्लियस अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है उसके अंदर से पार्टिकल्स का निकल जाना, तो न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब है। अब जो हमारे पास यूजफुल मेजर है यहां पर, जो हमें पता चला है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को चेक करने का, वो क्या है, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अ यूजफुल मेजर of stability of the nucleus is its binding energy per nucleon. अब ये जो binding energy per nucleon है, ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती है एवरेज एनर्जी को, ठीक है। दिस एनर्जी रिप्रेजेंट्स द एवरेज एनर्जी
ये वो एवरेज एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है विच नीड्स टू बी सप्लाइड टू रिमूव टू रिमूव ए न्यूक्लियॉन। ठीक है, यानी कि वो एनर्जी के जो यानी कि न्यूक्लियॉन को रिमूव करने के लिए यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो एवरेज एनर्जी जो है वो कौन सी है, वो बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब टोटल एनर्जी उस न्यूक्लियस के अंदर। अब जो न्यूक्लियाई हैं इट इज क्लियर दैट न्यूक्लियाई विद मास नंबर 56 आर दोज हैविंग ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिनके पास के ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है फॉर देयर डिस्पर्शन एंड हैंस आर स्टेबल वंस। तो वो न्यूक्लियर के जिनका ग्रेटेस्ट मास नंबर है यानी कि आयरन 56 और इसके राउंड अबाउट जो इधर आ रहे हैं इस जगह पर, ठीक है, इनकी ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इनको डिस्टर्ब करने के लिए। डिसरप्शन कहां से निकला लफ्ज, डिस्टर्ब से, ठीक है, और इसलिए ये स्टेबल होते हैं, यानी कि इनको डिस्टर्ब करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्टेबल है, इनको इतनी आसानी से अनस्टेबल नहीं किया जा सकता। इनको अगर अनस्टेबल करना है तो आपको ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स दो एक्सट्रीम्स के ऊपर हैं मास रेंजेस की, दो एक्सट्रीम कौन सी है, एक ये एक्सट्रीम है, एक ये एक्सट्रीम है, इन एक्सट्रीम के ऊपर अनस्टेबल है, यानी कि शुरू के अंदर भी आपके एलिमेंट्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं और जो एंड के ऊपर भी आपके एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल हैं। तो जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब है कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं किसके अंदर, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाइज के अंदर, और उसके अंदर स्प्लिट होने के बाद अगर उनको दोबारा कंबाइन किया जाए तो वो दोबारा कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं, वो एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए भी आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए और तोड़ने के बाद उनको दोबारा जोड़ने के लिए भी आपको बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फॉर बोथ एलिमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ कर्व एंड एट द एंड ऑफ कर्व
आर अनस्टेबल एज लेस अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दम। ठीक है, तो इनको तोड़ने के लिए ये अनस्टेबल हैं, तो जाहिर बात है आपको कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब अगर बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है तो जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज स्टेबल एंड एनर्जी मस्ट बी गिवन टू इट टू स्प्लिट इनटू इट्स पार्टिकल्स। और अगर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड इट डिस इंटीग्रेट्स इट्सेल्फ। तो ये खुद से ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब जिनका मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन ग्रेटेस्ट होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, और जिनका मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ग्रेट ज्यादा होती है। यानी कि दोनों एक दूसरे के, दोनों कर्व को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों कर्व एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है जी, अब उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिज्म। अभी जो है हमने पिछला जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स में, उसमें आपने एटॉमिक मैग्नेटिज्म की बात की हुई है और एटॉमिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसका जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन अब हमने चूंकि न्यूक्लियस के ऊपर आ गए हैं तो इसलिए न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिज्म। इसका भी जिक्र करना जरूरी है। तो जिस तरह एटम जो है वो पोजेस करता है इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, तो इसी तरह जो न्यूक्लियस है उसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये किस वजह से होता है, ये न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से होता है। यानी कि एटम के अंदर जिस जगह पर न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, स्पिन करता है, तो उसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो होगा
और वो जो उसकी वैल्यूज़ हम चूज़ करते हैं वो लॉन्ग जेड एक्सेस लेते हैं, ठीक है, और वो जो जेड एक्सेस के लॉन्ग हम वैल्यूज़ लेते हैं वो हम कहते हैं कि जे से डिनोट करते हैं कि जे जो है ये एल प्लस एस के बराबर होता है। एल जो होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एस जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जे जो है ये टोटल टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जो न्यूक्लियाई है इट आल्सो हैव इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, तो इसके पास भी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यूज आर अलोंग जेड एक्सिस, और ये होती है जे एच कट जे इंटू एच ओवर टू पाई। तो जे क्या, ये टोटल इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे आपके एटम के अंदर क्वांटम नंबर ही होती है एन एल और एस, और ये जो क्वांटम नंबर है इसकी इंटीग्रल, ये इंटीग्रल होता है या हाफ इंटीग्रल होता है, इट मे बी इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल, या ये हाफ इंटीग्रल के बराबर होता है। अब आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है एटम्स का वो एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, तो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो जो बोहर मैग्नीट्रॉन है, बोहर मैग्नीट्रॉन, ये बोहर मैग्नीट्रॉन की वैल्यू आपने निकाली हुई है अगर आप याद करें उस चैप्टर के अंदर, तो वो थी म्यू बी ई एच कट सॉरी ई एच डिवाइडेड बाई फोर पाई एम ई, और ये हमारे पास आई थी 5.78×10^5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला, ठीक है। टी जो है वो टेस्ला के लिए स्टैंड हो रहा है। तो कारस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नीट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नीट्रॉन। न्यूक्लियर मैग्नीट्रॉन म्यू एन ई एच फोर पाई एम पी, वहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन आएगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो म्यू एन हमारे पास 3.15×10^-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला होगा, यहां पर एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो तो नियरली 1 होता है 1 बोहर मैग्नीट्रॉन के, लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फ्री प्रोटॉन है वो नहीं इक्वल है 1 बोहर मैग्नीट्रॉन। देखा ना ये फर्क निकला है, वो 10^-8 है, वो 10^-5 है। तो न्यूक्लियर मैग्नीट्रॉन जो है इज इक्वल टू 2.7929
म्यू एन, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो हम ये अंडरस्टैंड यहां से कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो किसके हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं। अगर हमें उनका इंटरनल स्ट्रक्चर का पता हो, ठीक है जी, अगर हमें उनके, अब यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका भी तो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, फिर वहां पर भी उनकी स्पिन आएगी, उनके भी फिर बोहर मैग्नीटॉन जो है वो निकलेंगे या न्यूक्लियर मैग्नीटॉन निकलेंगे। लेकिन हम मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं वो हैवियर न्यूक्लियाई के इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के एनालिसिस उनका कर सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि उनका ही पता नहीं होता कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसलिए हमारे पास न्यूक्लियर जो मैग्नेटिज्म या स्पिन है उसको स्टडी करना मुश्किल है एज कंपेयर टू एटम, क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर का तो आपको पता है कि एटम क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके बहुत इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या, जो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं उसकी वजह से होता है। और हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के स्ट्रक्चर का ये पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्क से मिलकर बनता है, तो फिर वहां पर हमें हमारे पास क्वार्क्स की भी इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। यानी कि पूरा अगर आपने न्यूक्लियर मैग्नीटॉन या न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिज्म को स्टडी करना है तो फिर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये अब चैप्टर मैंने आपका खत्म कर दिया, ठीक है, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट चैप्टर करूंगा शुरू 7th जो है, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, ये वाला न्यूक्लियर का जो इंट्रोडक्शन था ये खत्म हो गया।